कैसे हो फ्रेंड्स? बढ़िया, गुड 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 गुड। आज लेंगे फ्रेंड्स सम नंबर 8। बहुत छोटा सम्स है और एकदम इजी सम्स है। जो हमने आगे 7 नंबर का सम किया बराबर वही का वही बेस है बराबर। तो यहाँ पे सम्स उस टाइप का है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रेंड्स वही कैलकुलेट करना छूट गया है, यानी उसको उन्होंने गलती से किया ही नहीं है। सम नंबर 7 में क्या था फ्रेंड्स, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने गलती से कैलकुलेट नहीं किया था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं किया फ्रेंड। तो हम कर लेते हैं। तो देयर आर 3 पार्टनर्स, लता, गीता एंड प्रवीणा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रेंड्स बराबर, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सम में ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स बराबर, और मैंने लिखा हुआ ही है। तो सीधी बात है, तो लता का कितना प्रोवाइडेड है 2700, गीता का कितना प्रोवाइडेड फ्रेंड्स 1200 और प्रवीणा का कितना प्रोवाइडेड है 1500। अब साइन कौन सी डाले फ्रेंड्स, क्यों माइनस की साइन डाली हो, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए फ्रेंड्स एक्सपेंसेस है, दैट इज व्हाई मैंने यहां पे माइनस की साइन डाली हुई है। और तीनों का टोटल करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा 5400। क्यों माइनस की साइन डाली, क्योंकि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है। फिर अब सीधी बात है कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, वाइस वर्सा रिवर्स, यानी इनकम होगी। तो फर्म को इनकम होगी तो सीधी बात है फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सीधी बात है कि पार्टनर्स का शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना शेयर इंक्रीज होगा, तो 5400। तो वही 5400 तीनों पार्टनर में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है सब में, तो सीधी बात है पार्टनरशिप डीड का वही रूल अप्लाई होगा। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट दैट टाइम, प्रॉफिट और लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5400 को आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 1800 1800 1800। और क्यों प्लस की साइन डाली, क्योंकि पार्टनर का शेयर इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, और फर्म की इनकम होगी तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो पार्टनर का शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने वहां पे प्लस की साइन डाली, डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे माइनस ज्यादा है तो माइनस 900 आएंगे, यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो प्लस 600 आएंगे, और यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो प्लस 300 आएंगे। सीधी बात है माइनस प्लस इक्वली होंगे, यहाँ पे माइनस 900 और यहाँ पे 600 प्लस 300 यानी 900 डिफरेंस अमाउंट हमने ढूंढ ली। रेक्टिफाइंग जनरल क्या होगी फ्रेंड्स, वो हम आगे वाले सम में पढ़ चुके और रिपीट कर रहे हैं। जहां पे डिफरेंस अमाउंट माइनस में आएगी तो वो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, और जहां पे डिफरेंस अमाउंट प्लस में आएगी माय डियर फ्रेंड्स तो वहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लता का माइनस में आ रहा है तो लता कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट 900, या इन दोनों का प्लस में आ रहा है तो यानी गीता का कैपिटल एंड करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 600, और प्रवीणा का भी कैपिटल एंड करंट अकाउंट जो भी पार्टनरशिप फर्म ने ओपन किया होगा कैपिटल होगा या करंट होगा बराबर, और हो सकता है कि दोनों ओपन किए हो, तो सीधी बात है तो वहां पे आ जाएंगे 300 रुपीस। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए, ठीक है। और जो रेक्टिफाइंग जनरल प्रोवाइडेड थी ये हमने ध्यान में माइंड में ये रखना है फ्रेंड्स कि जो भी ट्रांजेक्शन सम में प्रोवाइडेड है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, साइन कौन सी डालनी है। पार्टनर्स के लिए इनकम होगी तो लास्ट वाले सम में वहां पे हमने प्लस की साइन डाली थी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए इनकम है, दैट इज व्हाई हमने माइनस की साइन डाली, ठीक है फ्रेंड। प्रैक्टिस कर ले, वैसे तो इजी है, इतना टिपिकल नहीं है, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फिर बराबर। आपके फ्रेंड्स एक एक मार्क्स के लिए हम फाइट करेंगे, मैं कभी नहीं छोड़ता, एक मार्क्स भी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। हाँ, जान लगा देंगे आपके एक एक मार्क्स के लिए, और क्यों नहीं लगाए, हाँ सीधी बात है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना।